ज्ञान की रोशनी से रोशन होता हरियाणा पानीपत महोत्सव तृतीय पानीपत पुस्तक मेला लगाया गया पानीपत के एसडीपीजी कॉलेज में और मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे डीजीपी शत्रुजीत कपूर। आपको बता दें कि यहां पर आज पानीपत पुस्तक मेला लगाया गया और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर डीजीपी शत्रुजीत कपूर पहुंचे। उन्होंने इस मौके पर क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। आने का मुझे मौका मिला, बहुत अच्छा लग रहा है और हजारों की तादाद में यहाँ पुस्तकें आज स्टॉल लगे हैं तो, और तीसरा पुस्तक मेला है पानीपत का। ये बीच में कोविड की वजह से कुछ गैप आ गया लेकिन फिर से शुरू किया है, तो इसके लिए मैं एसडीपीजी कॉलेज की प्रबंधक कमेटी और प्रिंसिपल साहब को बधाई देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया और ये एक अच्छा, इसका बड़ा योगदान है हर शहर की सोशल लाइफ में। बुक रीडिंग की हैबिट हमें बच्चों को डालनी है, इससे वो कहते हैं कि किताबें ही हैं जो किसी सिविलाइजेशन को आगे लेके जाती हैं, तो ह्यूमन रेस को आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान है बुक्स का। तो ये अच्छा लगा इस पुस्तक मेला में आके और मुझे उम्मीद है कि हर साल ये लगता रहेगा। ऐसा किताब तो अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से होती है, तो मैं यही कहूँगा कि जो जो अपना एप्टीट्यूड है जिस फील्ड में जिसका इंटरेस्ट है वो अपने फील्ड से जुड़ी हुई किताब पढ़ें, लेकिन साथ साथ जो हमारे देश का, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, देश का इतिहास है, उसके बारे में ज़रूर। तो डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा कि उन्हें अच्छा लग रहा है कि हजारों की तादाद में एसडीपीजी कॉलेज में आज स्टॉल लगे हैं और तीसरा पुस्तक मेला लगाया गया है पानीपत में। कॉलेज की प्रबंधन कमेटी वो सभी को बधाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक पुस्तकालय उन्होंने पानीपत की पुलिस लाइन में भी बनवाया है जो कि बहुत सुंदर है। वहीं उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए पुस्तकों का एक महत्वपूर्ण सहयोग है जिसकी सहायता से आज का युवा बहुत आगे बढ़ सकता है। सोशल मीडिया तो एक क्षणिक चीज़ है, मोमेंट्री है, वो अब है, उसके बाद पता नहीं रहता अगले दिन, लेकिन किताबें जो हैं वो हमेशा के लिए हैं। अगर इसकी अपनी लाइब्रेरी बनाएंगे, कुछ किताबों का संग्रह करेंगे, वो हमेशा साथ देंगे। सर, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी हमें देखने को मिलेगा कि इस तरीके का जो पुस्तक मेला है हम अपनी लाइब्रेरीज बना रहे हैं हर ज़िले में और 12 लाइब्रेरीज बन चुकी हैं। आज पानीपत में भी उसका उद्घाटन होने वाला है, तो वो हमारे जो डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल्स हैं उनके बच्चों के लिए, पुलिस लाइंस में जो फैमिलीज हैं उनके लिए हमने लाइब्रेरीज बनाई हैं, बहुत अच्छी लाइब्रेरीज बनी हैं। आप से मैं यही कहूँगा कि आप अवश्य आएँ, उद्घाटन है आज, उस पर आएँ और आप स्वयं देखें। सर, बाई चांस आज आप आया, चुनावों की घोषणा होगी हरियाणा में, क्या पुलिस की तरह से क्या तैयारियाँ चुनावों को लेकर होता है? चुनाव अभी घोषित हो चुके हैं और पिछले चुनाव में आपने देखा कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से स्वतंत्र रूप से चुनाव करवाए गए, तो इसी प्रकार से विधानसभा के भी चुनाव अब अच्छे तरीके से होंगे और इसमें चाहे पैरामिलिट्री की प्रेजेंस हो या हमारी स्टेट पुलिस की, सब एक साथ मिलकर के काम करेंगे और बड़े अच्छे इलेक्शन होंगे। वहीं शत्रुजीत ने चुनाव को लेकर कहा कि जैसे ही लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए थे उसी प्रकार विधानसभा चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से होंगे और चुनाव को लेकर सभी पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से काम करेगा। तो आज डीजीपी शत्रुजीत कपूर पानीपत के एसडीपीजी कॉलेज में पहुंचे जहां पर एक तृतीय पुस्तक मेला लगाया गया था जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।